हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th। टुडे इज इन माय वीडियो लेक्चर वी एक्सप्लेन इन शॉर्ट टर्म एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। That is very important for the BU of examinations and other competitions. So, question number first. Define the term amorphous. Give a few example of amorphous solids. Difference amorphous term क्या है और amorphous solid की जो है examples आपको prove करना है। So students, B provides answer. You can see amorphous solids are the solids whose constituents particles are irregular. Irregular shapes and have short range of order these solids are isotropics in nature These solids are isotropic in nature and melt over a range of temperature. Therefore, amorphous solids are sometimes called zero solids. Amorphous solid को zero solid name दिया जाता है। Are super cooled liquids or super cooled liquid भी कहते हैं। They do not have definite heat of fusion when cut with sharp edge tools. They cut into two pieces with a irregular surface. Example of amorphous solids are glass, rubber, plastic, etc. Students, solid and crystalline solids be provides videos, a complete video on amorphous solids and crystalline solids. So you see the video of amorphous solids provided by online classes. So next question, what make a glass different from a solid such as quartz? Under which condition could quartz be converted into glass? किसमें से यहाँ आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस आंसर को आप पढ़ेंगे, वेरी सिस्टमेटिक्स एंड ईजी आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासीफाई इच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक्स। मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क, एमॉर्फस एक्सेट्रा। पॉइंट फर्स्ट P4 O10, सेकेंड अमोनियम फॉस्फेट, थर्ड SiC, फोर्थ आयोडीन, फिफ्थ P4 ग्रेफाइट, ब्रास, रूबिडियम, LiBr, सिलिकॉन एक्सेट्रा। प्रोवाइड आंसर
एनी सॉलिड मेटेलिक मॉलिक्यूलर डीज आर प्रोवाइडेड इन वीडियो। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं इसका हमने कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। आई यू कैन सी द वीडियो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द चैप्टर ऑन द चैनल्स। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए टर्म इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट जो अभी ये क्वेश्चन देख रहे हैं इसका हमने जो है कोऑर्डिनेशन नंबर और सीसी एफसीसी बीसीसी इन सभी का जो है हमने वीडियो प्रोवाइड किया है। उस वीडियो को जब तक स्टूडेंट्स आप वीडियो क्लियर नहीं देखेंगे, क्लियरिटी नहीं होगी वीडियो में, कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही आपके लिए हार्ड होगा और इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट बना रहेगा। सो आंसर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आंसर फर्स्ट, सेकेंड, ए एंड बी, ओके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ आंसर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो इसमें दिया गया है जिसमें यह फार्मूला जो यूज़ किया जा रहा है, इस फार्मूला को भी हमने डिराइव करके दिया था और ये बताया था दैट इज इम्पोर्टेंट फार्मूला, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन फार्मूला पे पूछे जाते हैं जो कि यहाँ आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स विथ आंसर, स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन एंड आंसर हम दे रहे हैं इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसके आंसर को आप चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स, टेट्राहेड्रल वायर्स एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स। गिव राइट आंसर। स्टूडेंट्स इसके आंसर को हम वन बाय वन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप पास करके इसका आंसर आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर एट, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। लैटिस, इसमें लैटिस पॉइंट आपको शो करना है, जिसमें दिया है आपका जो है पॉइंट फर्स्ट है एफसीसी, सेकेंड एफसीसी टेट्रागोनल और थर्ड जो है बॉडी सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर नाइन, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक सेकेंड आयनिक सॉलिड एंड हार्ड एंड ब्रिटल। क्वेश्चन नंबर टेन, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फायर। इट आंसर, स्टूडेंट्स एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इसलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन को आप जो है अच्छे तरह वॉच करेंगे, इसके आंसर को देखेंगे, जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उसका आंसर आप क्वेश्चन कमेंट ऑन करेंगे, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका आंसर हम प्रोवाइड करेंगे। वीडियो सी बाय द पांच मेथड्स वन बाय वंस क्वेश्चन नंबर 11। एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 12 विथ आंसर 13 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में, इस चैप्टर में, सॉलिड से चैप्टर में दैट फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंस। इस फार्मूला पे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन रिपीट किया गया बोर्ड एग्जाम में। जैसे अभी आपने देखा, इसके पहले भी क्वेश्चन मिला आपको, इस एग्जाम्पल में भी था, इंटेक्स में था, और यहाँ आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इस फार्मूला प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 15 विथ आंसर विथ आंसर। स्टूडेंट्स, वी से अगेन यू वॉच द वीडियो बाय पांच मेथड्स क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो जिसे 17 है, व्हाट इज सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, तो दीज आर प्रोवाइडेड इन वीडियो। इस हमने इस सबको वीडियो में प्रोवाइड किया है। सेमी कंडक्टर दैट इज टू टाइप सेमी कंडक्टर, दैट इज पी टाइप सेमी कंडक्टर एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 18 विथ आंसर 19 विथ आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 विथ आंसर 21। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वी प्रोवाइड वन बाय वंस क्वेश्चन विथ आंसर्स। एक्सप्लेन करना है सीटेबल एग्जाम्पल साथ, सार्टिकी डिफेक्ट है, फ्रैंकियल डिफेक्ट, इंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट, एम सेंटर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 विथ आंसर 25 विथ आंसर। एक्सप्लेन करना है फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड 1216 एंड 1315 ग्रुप कम्स।
तो स्टूडेंट्स ये जो अभी आप हेडिंग देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका वीडियो हमने जो है इसी नेम से प्रोवाइड किया है। सो यू कैन सी वीडियो, फर्स्टली सी वीडियो एंड आफ्टर रीड सॉल्यूशंस वन बाय वन। एंड 95, 12, 16, 13, 15 ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आपके जो है चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसमें इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पहले देखने से पहले आप जो है सबसे पहले वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे, और वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तीसरा साइज सॉल्व करते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सब क्वेश्चन को आप जो है पास करके वन बाई वन जो है इसको आप पास करेंगे, और कन्फ्यूजन क्रिएट होने पर यू कैन कमेंट ऑन द क्वेश्चन इन आवर वीडियो इन आवर चैनल एंड आई प्रोवाइड आंसर एट ए सुटेबल टाइम। सो थैंक्स।